भुवननगर एक सुंदर राज्य था। भुवननगर के राजा का नाम था वीर प्रताप सिंह। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, चारों ओर खुशियों का ही साम्राज्य था। अपनी प्रजा को सुखी देखकर बहुत खुशी होती है। मेरी सबसे बड़ी खुशी इसी में है कि मैं हमेशा अपनी प्रजा के साथ न्याय कर पाऊं। वो बहुत ही नेक इंसान थे। उनकी निहारिका नाम की एक बेटी थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसका गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और ऊपर से उसके घने घुंघराले बालों ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। एक दिन, पिताजी, मुझे भी तीर चलाना और घुड़सवारी करना सीखना है। हाँ हाँ बेटी, आपकी जो इच्छा हो वो सीखिए। आप हमारी इकलौती बेटी हैं। हम आपको किसी राजकुमार से कम नहीं समझते। राजकुमारी कुछ ही सालों में हर कला में पारंगत हो गई थी, लेकिन घुड़सवारी उसको सबसे ज्यादा प्रिय थी। वैसे तो निहारिका बहुत अच्छी थी, लेकिन माँ बाप के अत्याधिक लाड प्यार ने उसे बहुत जिद्दी बना दिया था। जब निहारिका विवाह योग्य हो गई, तब राजा वीर प्रताप सिंह ने निहारिका के विवाह के लिए बहुत से योग्य राजकुमार देखे, परंतु पिताजी, मैं इनमें से किसी राजकुमार को इस योग्य नहीं समझती जो मेरे और मेरे जीवन में खुशियां ला सके। राजकुमारी को कोई भी पसंद नहीं आया। ऐसा लगता था जैसे वो सभी राजकुमारों में कोई ना कोई कमी निकालने का मौका ढूंढती थी। राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन निहारिका अपनी प्रिय सखियों और घुड़सवारों के साथ शिकार के लिए निकल पड़ी। निहारिका हवा के वेग से घोड़े को तेज दौड़ाते हुए बहुत आगे निकल गई। अपने साथियों से बहुत दूर आने पर उसने देखा कि वो अकेली रह गई है। तभी उसे अपने सामने एक सुंदर हिरन दिखाई पड़ा। जैसे ही निहारिका ने तीर चलाना चाहा, वैसे ही, राजकुमारी, अगर आप मुझे जीवन दान दें तो मैं आपको परीलोक की सैर करवा सकता हूँ। राजकुमारी हिरन की बात सुनकर घोड़े से उतर गई। और तुम्हारी बात का मैं कैसे विश्वास करूं? अगर परीलोक देखने की इच्छा है तब आपको मेरी बात का यकीन करना ही पड़ेगा। राजकुमारी ने हमेशा से परीलोक के बारे में सिर्फ सुना ही था। जब तक मेरे सभी घुड़सवार आते हैं तब तक मैं परीलोक की ही सैर कर लेती हूँ। चलो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम मुझे परीलोक ले चलो। मुझे अति शीघ्र वापस भी आना है, क्योंकि मेरे माता पिता मेरी देर से पहुँचने पर चिंतित हो जाएंगे। मैं उनको परेशानी में नहीं डालना चाहती। राजकुमारी को प्यास लग गई थी। वो हिरन के साथ नदी के किनारे पहुँच गई। वो हिरन तो वास्तव में एक जादूगर था। वो उसे पास की जादुई नदी के पास ले गया। जैसे ही निहारिका ने नदी में पानी पीने के लिए अपना हाथ नदी में डाला, उसके मुंह से चीख निकल गई और ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने नदी में धकेल दिया हो। वो सीधी नदी में गिर गई। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि वो एक सुंदर शीश महल में खड़ी है और वहाँ बहुत सारी संगमरमर की परियों की मूर्तियाँ हैं। उन मूर्तियों को वो हैरानी से देख रही थी कि उसे अपने पीछे आहट सुनाई दी। उसने जब पीछे घूमकर देखा तो वो हिरन खड़ा था। ये परीलोक है, पर यहाँ जो भी एक बार आ जाता है वो मूर्ति में बदल जाता है। निहारिका कुछ कहती उससे पहले ही वो संगमरमर की मूर्ति बन गई। उसके साथ ही पूरे जंगल में निहारिका को ढूंढ ढूंढ कर थक गए। उन्हें कहीं भी पता नहीं चला तो वो निराश होकर लौट आए। महाराज, राजकुमारी का कहीं पता नहीं चल रहा है। हम सभी ने पूरा जंगल, नदियाँ और तालाब छान मारा। राजा वीर प्रताप सिंह ने पूरे राज्य में घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, जो भी व्यक्ति राजकुमारी निहारिका का पता लगा लेगा उसका विवाह निहारिका के साथ कर दिया जाएगा। बहुत लोग राजकुमारी को ढूंढने गए, पर राजकुमारी का कहीं अता पता नहीं चला। सारंग नामक युवक भी निहारिका को ढूंढने गया। वो अपने घोड़े पर बैठा और जंगल में बहुत दूर तक चला गया। बहुत आगे जाने पर उसे भी वही हिरन दिखाई दिया। हिरन बहुत सुंदर था। उसने सोचा, राजकुमारी तो मिली नहीं, क्यों ना हिरन का ही शिकार कर लूं। जैसे ही उसने हिरन को निशाना बनाया, यदि आप मुझे जीवन दान दें तो मैं आपको परीलोक की सैर करवा सकता हूँ। उसने हिरन की बात की परवाह किए बिना ही तीर चला दिया। तीर हिरन के माथे पर लगा और हिरन एक जादूगर बनकर गिर गया। सारंग ने एक और तीर चलाया। जादूगर लुढ़कता हुआ जादुई नदी के किनारे गिर पड़ा। जादूगर के हाथ में एक छड़ी थी। सारंग ने उसके हाथ से छड़ी ले ली। जादूगर के मरते ही नदी का जल सूख गया। सारंग को वहाँ एक सुंदर शीश महल दिखाई पड़ा। जब वो महल के अंदर गया
तो वहाँ एक सुंदर राजकुमारी और अनेक परियों को मूर्ति के रूप में बंदी बनाया हुआ था। उस छड़ी से जैसे ही उसने मूर्तियों को स्पर्श किया, सभी मूर्तियाँ सजीव हो गई। आप कौन हैं? सारंग ने राजकुमारी से परिचय पूछा। मेरा नाम निहारिका है, मैं राजा वीर प्रताप सिंह की पुत्री हूँ। मैं परीलोक की सैर के लालच में जादूगर के चंगुल में फंस गई थी। यहाँ बंदी सभी लोग परीलोक की सैर के लालच में आए थे। इस दुष्ट जादूगर ने परियों को भी मूर्ति में बदल दिया था। मैं एक साधारण इंसान हूँ, न मेरे पिता राजा हैं और न मैं किसी देश का राजकुमार। बहरहाल आपके पिता आपके लिए बहुत चिंतित हैं। चलिए अपने राज्य वापस चलिए। सारंग ने वहाँ सभी परियों को मुक्त कर दिया। तुमने हमें उस दुष्ट जादूगर की कैद से छुटकारा दिलाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। मैंने सिर्फ अपने दिल की बात सुनी। उस हिरण ने मुझे भी परीलोक की सैर कराने का लालच दिया, पर मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, वरना मैं भी आप सभी की तरह मूर्ति में बदल गया होता। सारंग, तुम यहाँ से सीधा चले जाना। रास्ते में जो पहला राज्य हो वही तुम्हारा है। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। इतना कहकर वो परियां आकाश में उड़ गई। सारंग राजकुमारी निहारिका को घोड़े पर बिठाकर ले गया। राजकुमारी सारंग की वीरता से प्रभावित हो चुकी थी। सारंग जब आगे गया तो एक बहुत बड़े राज्य में पहुंचा, जहां की प्रजा उनके स्वागत में खड़ी थी। तुरंत उनका राज्याभिषेक हुआ। एक महीने राजकुमारी निहारिका के साथ अपने महल में बिताने के बाद वो लोग भुवन नगर चले गए। राजा वीर प्रताप सिंह ने जब निहारिका को सारंग के साथ देखा तो बहुत खुश हुए। बेटी, जब तुमको चारों तरफ ढूंढकर थक गए तो हमने ये घोषणा की थी कि जो भी तुम्हें ढूंढकर लाएगा उसके साथ ही तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। राजकुमारी ने भी ऐसे वीर पुरुष की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। उन दोनों का विवाह हो गया। परीलोक की सभी परियां उनके विवाह में शामिल हुई। उन्होंने नव दंपत्ति को बहुत सारे उपहार और आशीर्वाद दिए। उस दिन के बाद निहारिका ने जिद छोड़ दी और पूरा जीवन सारंग के साथ खुशी खुशी बिताया।